जमात इस्लामी हिंद जिला अजमेर पाली विरासमंद द्वारा इस्तकबाल रमजान के तहत क्षेत्र में 12 से 23 मार्च तक चलाई जा रही मुहिम का गुरुवार को समापन किया गया। कार्यक्रम समापन के मौके पर इकरा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अजमेर पाली विरासमंद के उलेमा इकराम व अय्यमा ए मसाजिद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद जिला अजमेर पाली विरासतमंद के संयोजक मुमताज अली ने मुहिम का परिचय करवाया और बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमात की ओर से क्षेत्र में रमजान के पवित्र माह की अहमियत व महत्व से लोगों को परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसका आज समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुमताज अली ने बताया कि इस मुहिम के दौरान व्यक्तिगत व सामूहिक मुलाकातों, लिटरेचर स्कूलों में लेक्चरर्स सभाओं, जुम्मे की नमाजों में तकरीरों तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया आदि के जरिए रमजान व रोजों की अहमियत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारी मोहम्मद हुसैन की तिलावत कुरान से हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर जावेद हुसैन ने पवित्र माह रमजान की अहमियत तथा रोजे के उद्देश्य पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने ही में ईश्वर ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर संसार के सारे मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अपना अंतिम इष्ट ग्रंथ कुरान अवतरित किया। रमजान के माह में ईश्वर ने सभी मुसलमानों पर एक माह के रोजे रखना अनिवार्य किया। रोजा आत्मशुद्धि, आत्मसंयम, ईश्वरायणता तथा ईश्वर का डर व समीपता हासिल करने का साधन है। कार्यक्रम में हाफिज मोहम्मद इम्तियाज, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ, मौलाना मोहम्मद तैयब, मौलाना जुबैर तथा मौलाना अब्दुल शकूर ने भी रमजान व रोजों की अहमियत व मकसद पर अपने विचार रखे। नाल बजे खड़े याल भला झूले लालन ओ नाल बजे नाल बजे खड़े याल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमा दम कलंदर लाल दा पहला नंबर सखी शहबाज कलंदर ओ मस्त ओ मस्त कलंदर लाल मेरी हो लाल मेरी